तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया वीडियो आ चुका है। ये वीडियो में थोड़ा अलग सी जानकारी है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि CSJMU यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में छात्र नहीं ले रहे एडमिशन। शिक्षक को घर घर जाना पड़ता है एडमिशन के लिए। कोई छात्र भी एडमिशन नहीं ले रहा किसी कॉलेज में, तो खाता भी नहीं खुला है। तो ये क्या नोटिस है, कैसे लोग एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कानपुर यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका काम हरदम कानपुर यूनिवर्सिटी का काम लेट लपेट रहता है। तो क्या है पूरी नोटिस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निजी कॉलेजों में 10% भी नहीं भरी सीटें घर घर बुलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री कॉलेजों की हालत, कॉलेजों प्रबंधक ने जताई चिंता। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विवि में दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के 2 महीने बाद भी निजी संस्थानों में 10% सीटें तक नहीं भरी हैं। छात्रों के आने की राह ताक रहे हैं। कई कॉलेजों में तो अभी तक एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है। छात्र संख्या न बढ़ने से शिक्षक अब छात्रों के घर जाकर दाखिला लेने के लिए बुला रहे हैं। वहीं कॉलेजों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा नोटिस है। उसके बाद 25 से 30% दाखिले हुए हैं। शहर में 22 और 143 महाविद्यालय है। अप्रैल से छत्रपति साहू जी महाराज विवि ने WRN जनरेट करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 12वीं के परिणाम जल्द आने पर अप्रैल से ही कॉलेजों में दाखिला शुरू हो गए थे। करीब 2 महीने का समय बीतने को आया, लेकिन निजी संस्थानों में दाखिले नहीं बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इतने दिनों से एडमिशन शुरू हो रहा है, शुरू है यानी कि एडमिशन शुरू है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एडमिशन अभी तक लेने के लिए अभी तक उत्साहित नहीं हुआ। यानी कि किसी कॉलेज में तो अभी इसका खाता भी नहीं खुला है, एक भी स्टूडेंटों ने एडमिशन नहीं लिया है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, लोग एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, या उनको जानकारी नहीं है, या वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपडेट आपको हर समय रहना है। अपडेट रहेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। पता नहीं स्टूडेंटों को अपडेट नहीं है, या वो लोग एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं, क्या जानकारी है। कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं कि एडमिशन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।